एटम के बारे में ये कंसिडर किया जाता था जी कि एटम जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी चीज का, और एटम जो है एटमोस के वर्ड से निकला था, और इसके तीन फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बताया था जी, एक इलेक्ट्रॉन था और एक इसी तरह से प्रोटॉन था और एक न्यूट्रॉन। लेकिन आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से, ये किसने दी थी जी, ये सर विलियम क्रूक्स ने दी थी, और इन्होंने किस तरह से बताया था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से जो है वो डिस्कवर हो, किस तरह से ये बिहेव करता है। या डिस्चार्ज ट्यूब एक ले ली थी ग्लास की बनी हुई, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की रेस को उसने ऑब्जर्व किया था और बताया था कि ये इस तरह से बिहेव करती है। और कब बताया था जी, इसको इन्होंने डिस्कवर किया था 1895 में, और इस तरह से एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया था चले हम ये देख लेते हैं। ये बनी हुई जो आपको नजर आ रही है इलोंगेटेड सी, ये जी ग्लास ट्यूब है ठीक है, और इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। ग्लास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब क्यों कहा जा रहा है? डिस्चार्ज ट्यूब एक शीशे की बनी हुई ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर बहुत प्रेशर कम रखा जाता है, किसी भी गैस का प्रेशर बहुत कम होता है, और वो कितना होता है जी, 0.0001 ATM। जिस तरह ATM जो है वो यूनिट है प्रेशर को मेजर करने का, हमारे इन्वायरमेंट में जो गैस मौजूद है जिस तरह ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, ये सारी इन्वायरमेंट में जो गैसेस मौजूद है इनका कितना प्रेशर जी 1 ATM है, जबकि हम इसको जब यूज कर रहे होते हैं तो इसका कितना होता है 0.001। तो यहाँ पर एक ऐसी गैस बीच में रखी जाती है जिसका प्रेशर बहुत लो होता है, और साथ में ये करते हैं कि इवैक्यूएशन कर देते हैं, वैक्यूम पंप लगाया होता है और एक्स्ट्रा गैसेस को क्या कर देते हैं जी, बाहर निकाल देते हैं, ताकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो वाली गैस रह सके जो हम रिक्वायर्ड करते हैं, यहाँ पर रखी जाती है। उसके बाद ये जो आपको रेड कलर के दो नजर आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है, इसको कहते हैं जी कैथोड और इसको कहते हैं एनोड। एनोड जो है वो क्या होता है, अटैच होता है पीछे बैटरी से वायर के साथ, इसी तरह से कैथोड भी अटैच होता है पीछे बैटरी से वायर के साथ। अब ये जो दोनों रेड कलर के बने हुए हैं ये मेटल के बने हुए होते हैं, जैसे आप आयरन ले लें, लोहा ले लें, लोहे के बने हुए होंगे, या फिर किसी चीज जिंक के बने हुए होंगे या कॉपर के बने हुए होंगे, जो मेटल जिनकी सरफेस शाइनी होती है और अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बैटरी को हाई वोल्टेज दी हुई होती है, यहाँ पर आपको दो टर्मिनल नजर आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आपके पास ये मेटल का इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जी, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज ठीक है, और टोड यानी कि एक ऐसी हमने मेटल की एक प्लेट से बना दी है जिसके अंदर से चार्ज जो है वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो हम कह देते हैं कि ये जो है आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोड है ठीक है, इसी तरह से ये भी इलेक्ट्रोड है। अब एक इसको इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से बनाया, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज कौन सा जी, पॉजिटिव, और इसका नाम क्या दे दिया है, एनोड। इसी तरह से इसको नेगेटिव टर्मिनल से हमने मिलाया और उसका नाम क्या रख दिया, कैथोड। अब क्या होता था, जैसे ही सर विलियम क्रूक्स ने इसको बैटरी को हाई वोल्टेज यहां पर दी, और जैसे ही इसको वोल्टेज को ऑन किया, या आपके पास जो पीछे बिजली का जैसे सॉकेट होता है और बटन हम ऑन कर देते हैं, तो आपने इसको क्या अप्लाई कर दिया जी, हाई वोल्टेज, और जैसे ही हाई वोल्टेज दी तो इसमें से करंट जो है वो फ्लो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ से फ्लो करेगा, और जब इसके पास नेगेटिव चार्ज से भरे हुआ करंट जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज जो है वो कैथोड में से निकलना शुरू हो जाएंगे रेज की फॉर्म में, और वो रेज किस तरह की होंगी जी, शाइनी रेज होंगी। ये जो आपको नजर आ रही है डॉट फॉर्म में, ये सारी की सारी क्या है, ये रेज है, और इनकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ये किस तरह की होती हैं, शाइन कर रही होती हैं, जिस तरह आप ट्यूबलाइट ही अपनी देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप एग्जामिन कर सकते हैं कि ट्यूबलाइट बनी हुई है और उसके एक तरफ मेटल का इलेक्ट्रोड है, दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रोड है, और जब करंट को पास किया तो क्या हुआ जी, इसमें से रेज निकल रही है, और जिनकी हम क्या कहते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, वो शाइनी रेज होती है। तो इसमें से जो शाइनी रेज सॉरी गुजर रही हैं और पास हो रही हैं और प्रोड्यूस हुई हैं, इन्हीं शाइनी रेज को जी हम क्या कहते हैं, कैथोड रेस, और इन्हीं को जब इनकी प्रॉपर्टी स्टडी की गई, इसकी खसूसियात को जब हम देखते हैं, तो ये असल में क्या होते हैं जी, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो थे वो डिस्कवर हुए थे। अब इलेक्ट्रॉन्स इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकी नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका चार्ज चले हम लिख देते हैं क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और जैसे ही इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो किस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अपने ऑपोजिट एक चीज चार्ज के ऊपर, एक ऐसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज होगा, नेगेटिव
हम कहते हैं कि इस तरह से होता है तो इसका ऑपोजिट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इस तरफ अट्रैक्ट होती हैं और बिल्कुल ये परपेंडिकुलर मूव करती हैं। जैसे ये आपको इलेक्ट्रोड नजर आ रही है, ये चले हम यहाँ बना देते हैं, इस तरह की बनी हुई है और इसमें से परपेंडिकुलर निकलेंगी, यानी कि बिल्कुल यूं सीधी निकलेंगी और इनका एंगल क्या होगा जी, यहाँ पर 90 होगा। तो हम कहते हैं कि ये जो रेस निकल रही होती है कैथोड रेस, ये कितने एंगल पे निकलती है जी, इलेक्ट्रोड के सरफेस के 90 एंगल पे निकलती है और हम कहते हैं ये परपेंडिकुलरली आगे सीधी जो है वो मूव कर जाती है। किसकी तरफ जाती है? एनोड की तरफ, जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये सारा हमारे पास क्या था? एक्सपेरिमेंट जी, कैथोड रेस का। और इस तरह से ये प्रोड्यूस होती रही और इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज को, यानी कि खसूसियात को हम दोबारा से एक और वीडियो में जो है वो डिस्कस करते हैं।